वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। हमारी कोशिश होती है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करें जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हो, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए, उनके से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वो उनको हम एड्रेस करें। तो आज हम बात करने वाले हैं फियर इन किड्स के हवाले से, यानी बच्चों में जो खौफ होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी कमी होती है, क्या वजूहत होती है, हम इंटेंशली या कुछ गैर इरादी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे बच्चे जो है खौफजदा हो जाते हैं और फिर फॉर द लॉन्गर रन या आगे जाके ज़िंदगी में बड़े होकर कुछ ऐसे फेयर उनके अंदर आ जाते हैं। ये तमाम जो सिनेरियोज हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी टीचर है निदा जाफरी, वो हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम टू द शो निदा, कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। निदा, बच्चों में हम खौफ की बात करते हैं, खौफ की बहुत सारी इकसाम भी होती हैं, जो कुछ होती है जो उन्हें खुद से ही हो जाती है और कुछ हम एज अ पेरेंट या एज अ एडल्ट डेवलप कर देते हैं। सर थोड़ा सा हम उसको अगर डिस्कस करें स्टार्ट। अच्छा, एज अ पेरेंट तो मतलब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बिल्ली से बच्चे को डराते हैं, वो डार्क से डराते हैं, वो कुछ ऐसे बहुत ही स्टीरियोटाइप चीज़ें जो अच्छा, फियर ऑफ अननोन इज डेफिनेटली वेरी स्केयरी। मतलब आप और मैं भी डिस्कस करें और कुछ ऐसा डिस्कस करें जो जिसको हम देख ही नहीं सकते और इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो वी कुड नॉट इवन इमेजिन कि हम कितना वाइल्ड इमेजिन करना शुरू करते हैं। सो जो एक 3 साल का 4 साल का बच्चा, बल्कि एट टाइम्स 7 मंथ के बच्चे में ये वाले सुलाने के लिए ये चीज़ें डेवलप कर रहा है, लाइट बंद कर दी, ये हो गया, और वो खुद इमेजिन करो। अच्छा, और जब क्लास में जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मैं फेस करती हूँ वो ये है कि देर इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंस इन रिस्पेक्ट एंड फेयर। जो कमी है वो ये है कि हम रिस्पेक्ट पे होमवर्क नहीं कर रहे और हम फेयर डिवेलप करना शुरू कर देते हैं। सो एक्चुअली क्योंकि हम एक पार्ट पे लैक कर रहे होते हैं कि हमें जो फेयर है उसको बजाय डिवेलप करने के कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट बाय ऑल मीन्स हम किसी ना किसी तरह से उसको ज़्यादा करें। ठीक हो गया। निदा हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया जनाब यास्मीन भट्ट ने जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो यास्मीन, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यास्मीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों में खौफ की वजह से कॉन्फिडेंस जो उनमें कम हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी निदा भी हमें बता रही थी कि एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खुद से बच्चों में डालते हैं। बच्चों में जो फेयर होता है इसकी टाइप्स भी होंगी डिफरेंट, क्या है उसको भी थोड़ा डिस्कस करें। अच्छा, जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है ना, तो बिल्कुल छोटा होता है जब वो कोई वर्ड्स भी समझ नहीं सकता, तो अक्सर क्या होता है कि हम उसे डराने के लिए एक फ्राउन बनाते हैं कुछ इस तरह से करके, हम उसको ऐसे करके दिखाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है, तो आई थिंक पहले चंदन फाल्व से वो एक चीज़ सीखते हैं कि जिन आ जाएगा, अंधेरे में जाएंगे तो जिन आ जाएगा। अच्छा, उससे क्या होता है फियर ऑफ अननोन आ जाता है। अक्सर आपने लोगों में देखा होगा, इवन हमारी एज की भी जो खवातीन है उनमें एक वरी होती है कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, रात को निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा, अगर हम किसी ऐसे इलाके में जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ये पता भी नहीं है कि क्या हो जाएगा, जिसके फियर को हमें ब्रेक करना पड़ता है। अच्छा, आई थिंक वो हमारे फोबियाज की पहली स्टेज होती है। अक्सर लोगों को जो फोबियाज होते हैं कि जी मुझे सीढ़ियों का डर है, या मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, या मुझे मरने से डर लगता है, आई थिंक हमारे फियर्स की शुरुआत वहीं से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से अक्सर जिन बच्चों को आपने डर नहीं सिखाया हुआ होता उनको डर नहीं लगता। द सेम वे बच्चे जो है वो कुत्ता बिल्ली वगैरह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी एज की जो खवातीन है आई थिंक यू नो हम लोग बहुत ज़्यादा डरती हैं वो इसलिए क्योंकि बचपन से हमें डराया जाता है कि खा जाएगा, बाऊ खा जाएगा और समथिंग लाइक दैट। सो उसकी बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि हमारा जो हेयरिंग सेंटर है वो, और हमारी मेमोरी और हमारा इमोशनल सेंटर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम जो चीज़ सुनते हैं वो हमारी मेमोरी में जाती है, और जो चीज़ मेमोरी में जाती है फॉरन इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो एवरीथिंग दैट वी हियर वी एसोसिएट सम काइंड ऑफ इमोशंस विद इट। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाए ना कि मेरा बच्चा बहादुर है, ये किसी से नहीं डरता, तो वो किसी से नहीं डरेगा, वो इसलिए क्योंकि बॉयज़ को यही सिखाया जाता है, ठीक है, कि बॉयज़ किसी से नहीं डरते हैं। एट द सेम टाइम लड़कियों को सिखाया जाता है कि नहीं, ये नाजुक होती हैं, या अक्सर जगहों पे ये भी वो होता है कि जी अगर तैयार हो के रात को निकलोगे तो जिन पड़ जाएंगे, परफ्यूम नहीं लगाना, आप भी तो परफ्यूम नहीं लगाने दे। अच्छा, अजीब अजीब से ना कुछ इस तरह से वहम और वस्व से लोगों ने पाले हुए कि अगर आप बाल काट के टोकरी में फेंकेंगे तो उसके ऊपर जिन पड़ जाएंगे, वो आपने फ्लश में बहाने हैं, या आपने कब्र में दबाने हैं। अच्छा। या आपने कूड़े के साथ, अच्छा अगर आपने कूड़े के साथ भी भेजने तो कहीं ना कहीं तो जाके वो एक्सपोज हो गई, और इवन अगर आपने फ्लश में बहाने तो वो कहीं ना कहीं ड्रेनेज में कहीं ना कहीं तो वो दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, राइट? सो इट मीन्स दैट दे एग्जिस्ट, इट्स फाइन, लेकिन लॉजिकली लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते।
पे. सो या आई थिंक ये होता है कि हमारी वो लाइफ के साथ ही वो वहम, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे वहम भी बढ़ते हैं. निधा आपको कोई वहम हो कभी बचपन में, अम्मा ने या फैमिली में किसी ने कुछ किया हो? पता नहीं मुझे याद नहीं है, मगर मुझे जैसे डार्क से डर लगता था बचपन में बहुत ज़्यादा. आई एम स्टिल स्केयर्ड फ्रॉम द कैट्स बिकॉज आई हैड लॉट्स ऑफ कैट्स अराउंड इन माई चाइल्ड हुड. और अब मेरे बच्चे वॉन्ट्स टू हैव अ कैट एंड अ डॉग एंड आई सेड नो. No, you can't. Because अच्छा, और ये जो स्टीरियोटाइप बात कर रहे हैं ना, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसके लिए ये स्टैम्प कर दिया जाता है दैट द बॉयज आर गुड इन इट एंड द गर्ल्स आर नॉट. एंड ड्राइविंग इज वेल. Driving as well. Yes. औरत अच्छी चला रही है ही नहीं. हाँ, अगर कोई गलत जा रहा है रोड पर तो आपका ड्राइवर या आपका कोई घर वाला अब्बा भाई वो ये कहेंगे लड़की चला रही होगी. असल में हम बचपन से ही खुद ही से ये सेग्रीगेशन कर देते हैं कहीं ना कहीं कि ये काम फलाने का इसके लिए और ये काम इसके लिए, और वो ऐसे डेवलप होते जाते कि वी स्टार्ट ऑन बिलीविंग दैट. मतलब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं उस चीज को. अब जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे कोई कहे ना तुम्हारी गाड़ी कितनी गंदी, तो मैं कहती लड़कियों की गाड़ी ऐसी होती है. ठीक है, आई थिंक ऑन एयर सारों ने सुन लिया कि मेरी गाड़ी बहुत गंदी होती है. लेकिन ये कि आई थिंक लड़कियों ने इंटरनलाइज कर लिया कि अच्छा ये चीजें जो है वो लड़कियों के लिए घर साफ होना चाहिए. ये कहते ना कि लड़की का किचन और वॉशरूम जाके देखो, तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं. सो आई थिंक मुझे बचपन से इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डराया गया था. सो मेरी अम्मी जो थी वो अपने घर में सबसे छोटी थी, तो एक दफ़ा वो अगवा हो गई थी. लेकिन उनके घर वालों ने उनको बचा लिया था. तो मेरी अम्मी ये बहुत डरती थी कि मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ तो मैं गुम हो जाऊँगी. तो वो अगर मैं अपने बहन भाई के साथ भी जाती थी तो 3 से 4 दफ़ा कॉल करती होती थी कि या आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी होती तो उस ज़माने में तो मोबाइल का ज़माना होता भी नहीं था. 90s की बात है, अर्ली 90s की. तो वो कहती थी PCO से मुझे कॉल करके बता देने की ठीक है तुम लोगों ने अगर लेके जाना है तो कम से कम मुझे हर घंटे बाद एक दफा बताने. अच्छा, बचपन से मेरा इतना ज़्यादा डर डेवलप हो गया कि व्हेन आई गॉट माय एडमिशन इन PhD इन द US मैं नहीं गई. मैं अकेली नहीं रह सकती थी. ठीक है, आई गॉट माई एडमिशन ट्वाइस इन PhD एंड आई डिड नॉट गो. Why? Yeah, because अकेले रहने से डर लगता था. सो आई थिंक दिस वॉज द फोबिया दैट आई डेवलप. सो आफ्टर माई मदर डाइड, तो दीज वर द थिंग्स दैट आई वॉज वर्किंग ऑन. कि मैंने आहिस्ता छोटे छोटे ट्रैवल्स करने शुरू किए. एंड यू वुडंट बिलीव कि मैं जितनी दफ़ा भी प्लेन में बैठने लगी मुझे शदीद एंजाइटी होती थी. मुझे लगता था मेरी चीज़ें गुम जाएंगी या मैं गुम जाऊंगी. मैं हर थोड़ी देर बाद अपने अब्बू को लोकेशन भेज रही थी, कहते थे वैसे पूरे लाहौर में घूमती रहती हो और वहाँ बाहर जाके जो है वो तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो. तो आई थिंक ये बचपन के जो फेयर होते हैं. आई वॉज अ साइकोलॉजिस्ट सो आई कुड वर्क एट इट. अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो शायद पता भी ना होता कि कहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ. और अच्छा, अब हमें निधा ये जिस तरह यास्मीन भी कह रही है बचपन की चीजें ना जो बड़े होकर एक्सपोज होती है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स में वो चीज होती है फिर आप में वो ट्रांसफर हो जाती है. तो बच्चों को एज अ टीचर एज अ पेरेंट हमें किन चीजों पर फोकस रखना चाहिए कि हम जो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बता सकें कि आपने ये चीजें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जैसे हम अपनी क्लास में भी जाते हैं और हम अपने बच्चों को किसी से डराते हैं कि ये ना करो वरना उस ऑफिस में ले जाऊंगी. Exactly. ये ना करो वरना वहां ले जाऊंगी. देखो वो जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चों को ये लगे कि यार कि ये दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एज वेल. हम हर गुड डीड करते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए कहीं. सो इट्स अ रिस्पेक्ट एलिमेंट. वो जो हमें अपने बच्चों में डिवेलप करने की जरूरत है वो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है कि आप डायरेक्ट उसको कुछ कमांड करें और वो उसको ओबे करें आपको राजी करने के लिए या दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, रादर देन दैट कि वो किसी खौफ से कुछ करे कि अच्छा मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये. इसमें फिर ग्रेजुअली जो रिस्पेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बच्चा सिर्फ फिर डंडे के जोर पर ही चलता है कि आपने उसको डराया तो वो जो कदम चल गया अदरवाइज वो रुक जाता है. सो हमें घरों में भी निधा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बच्चा माँ बाप की बात नहीं माना या तो वो दादा दादी का डरावा देंगे या फप्पो का देंगे या खाला का देंगे या फलाने अंकल को बुला लेंगे अगर तुमने ये काम नहीं किया. तो वो सारी चीजें फिर वो रिलेशंस भी आपस में अफेक्ट होते हैं कि एक डर का रिलेशन. तो मेरा ये भी सेम पॉइंट है ना, इसमें भी रिलेशन ऑफ लव और अफेक्शन और रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मेरी माँ मेरी फूफो मेरी दादी नाराज हो जाएगी रादर देन दैट कि वो क्या कर लेगी मुझे. ये तो हम पहले बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि मारना इज नॉट फेयर, यू नो थ्रेट करना इज नॉट फेयर, टेरिफाइड करना इज नॉट फेयर. सो ये जो उसको बता दूँगी अच्छा फिर दादी क्या करेंगी या मारेंगे उसको या बाबा क्या करेंगे मारेंगे उसको, इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि यार वो मुझसे नाराज हो जाएगा मेरे इस एक्ट की वजह से. सो इस पे बीइंग पेरेंट बीइंग टीचर बीइंग सिबलिंग हमें काम करना चाहिए कि बजाय डराने के रिजॉल्व करके दिखाएं कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो. वही
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे रादर देन द चाइल्ड इटसेल्फ। अच्छा एक और फनी सिनेरियो भी आई'ड लाइक टू शेयर कि हमारी आई डोंट नो बाकी आई एम प्रीटी श्योर सारी बरसगीर की सारी माएं इसी तरह कहती हैं, बच्चों में अगर आप टाइम पे नहीं उठे अगले घर जाओगे तो पता चलेगा, अगर आपने खाना नहीं सही बनाया अगले घर जाओगे तो पता चलेगा, रोटी नहीं बनाई तो अगले घर जाओगी, तो अक्सर बच्चों में ऐसे लोगों को पता नहीं अगले घर को डरावना बना दिया जाता है। अगर आप ट्रैवलिंग पे ज्यादा जाते नहीं अभी नहीं जा सकते अगले घर जाके। आई रिमेम्बर कि मेरे बाल इतने लंबे होते थे पिछले साल तक, तो मैंने कुछ कुछ करवाया तो मेरी भाभी ने कहा जब वक्त आएगा तब कुछ नहीं रहेगा, भी कौन सा वक्त आएगा, तो हर वक्त आपको ना डराते रहते हैं कि मतलब अगले घर वो पता चले अगले घर वाले बेचारे बड़े मस्कीन से हो मस्कीन से हो ठीक हो गया होते अच्छा भी। अभी थोड़ा सा अगर सेल्फ डिफेंस को भी डिस्कस करें, अगर बच्चों को हम डराते हैं उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सिखाएं कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, ताकि जैसे अब मेरा बेटा मेरे अपने घर की कहानी है, ही इज सो स्केयर्ड जब वो सिग्नल पे जाता है ना तो वो सबको कहता है गाड़ी के दरवाजे लॉक कर, चोरी से इतना डर पता नहीं वो किससे डरता है, वो इतना डरता है कि जो बैगर्स हैं या जो सड़क पे कोई फेर रहे होते हैं लोग, हम उसको बहुत इस पर बात करते हैं। अब हमने ये करना शुरू किया कि वी मेक श्योर कि तुम विंडो खोलो और तुम इसको पैसे दो, ये कुछ भी नहीं करेगा व्हेन वी आर देयर फॉर यू। सो ग्रेजुअली हमने कभी डराया तो नहीं था वैसे कि ये तुम्हें, मगर मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान में एक हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो भी रहा है कि बच्चे किडनैपिंग हो रही थी और ये हो रहा था, और हम ही कह रहे थे कि हमारा अपना ये अलमिया है कि हमने एक ऐसा बचपन गुजारा जिसमें हम पार्क्स में भी जाते थे, हम फन टाइम भी करते थे, हम फुफियों खाला मासियों के घरों में भी रहते थे और गलियों में भी खेलते थे। अब हम जाते हैं बच्चों को अपनी सकी खाला के घर भेजने से भी टेरिफाइड है, नहीं भाई तुमने ओवरनाइट स्टे नहीं करा। सो ये हमारी वैल्यूज जो बदल रही है, ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी बदल रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच यास्मीन, बहुत शुक्रिया नदा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने बताया। जनाब बच्चों का ख्याल रखना ऑब्वियसली हर एक की जिम्मेदारी है, और इस तरह से कि आप उनके अंदर कुछ तरह के फेयर ना इंडक्ट करें, बेशक कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनको पॉजिटिव, जैसे निदा और यास्मीन दोनों ने आपको ये कन्वे किया कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है उसको अगर आप मलूजे खाते रखेंगे या उसमें अपनी आपका फोकस होगा तो डेफिनेटली बच्चे जो है बड़े होकर आपको इस रिस्पेक्ट के एलिमेंट में ही आपको बे करेंगे, आपको उनमें डराने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया, उम्मीद है कि आपके काम आएगा। जनाब आप जरा लाहौर की खबरें भी बात कर ली, क्या खबरें चल रही हैं लाहौर में, क्या सियासी सूरत हाल है, जरा चिकन के रेट्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप घर से निकले हैं आपको पता ना हो कि रेट्स पे चिकन दस्तयाब है, तो हम आपको बता देते हैं हमारे नुमाइंदे सभी हसन हमारे साथ मौजूद है। सभी आपसे जानना चाहेंगे आप इसमें कहाँ पर मौजूद हैं, क्या रेट चल रहा है आज चिकन का? अरबिला ट्रेडिशनल मार्केट में मौजूद हूँ, ये वो मार्केट है जहाँ से पूरा लाहौर जो है चिकन की खरीद फरोख्त करता है, अपने दुकानों के लिए लेके जाया जाते हैं यहाँ पे, बल्क में यहाँ पे सामान जो है चिकन का गोश्त जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो लाहौर शहर से तमाम तर जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं वहाँ के लिए भी यहाँ से गोश्त वगैरह जितना भी चिकन होता है। इसके साथ साथ अगर रेट की बात करें तो रेट जो है वो आज 124 रुपए है, यानी कि कल वाला रेट जो है वो बरकरार है 124 रुपए। दो दिन पहले का जो रेट था वो 138 रुपए था, और कल जो है 14 रुपए की कमी के साथ 124 रुपए का रेट हो गया था, जो कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आज 124 पर ही टिका हुआ है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। तो यहाँ की अगर सूरतेहाल की बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, और इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर जो प्रिंटर मार्केट के सदर हैं अतीकुर रहमान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम चिकन के हवाले से बात करते हैं। सर बताएं कि चिकन तो काफ़ी सस्ता हो गया है, अब क्या समझ रहे हैं लोग, खरीदना बंद कर गए हैं या डिमांड में जो है वो इजाफा हुआ है? दरअसल माल इतना ज़्यादा तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा तैयार हो गया है, और पोल्ट्री जो है उनको नुकसान हो रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है। ये मुर्गी जो है ना ये दाल और सब्जी से सस्ती हो गई है, और आइंदा और उम्मीद रखते हुए सस्ती हो। भाई साहब ये बताएं कि कौन सा ऐसा रेट है जहां पर दुकानदार को भी फायदा हो सके और आवाम जो खरीदने वाली है उनको भी फायदा हो सके, कौन सा ऐसा रेट है? ऐसा रेट तो तकरीबन 250 के करीब करीब है। अभी जो है ना जो फार्मर है उसको नुकसान हो रहा है, और मुर्गी की तादाद बहुत ज़्यादा तैयार हो गई है और लोग फायदा उठा रहे हैं। अब ये ऐसा है कि अमीर भी खाए और गरीब भी खाए, इतनी ज़्यादा यानी कि इस भाव पे कोई चीज़ ही नहीं मिलती, और होना चाहिए सस्ते से सस्ता कि जो हर आदमी फायदा उठा सके। जी अर्मिला आपने बात सुनी, इनका कहना यह है कि रेट ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी खरीद भी सके, जिसका फार्मर का भी नुकसान ना हो, इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका भी नुकसान ना हो, उनके भी अखराजात जो हैं वो चलते रहें वो पूरे होते रहें। तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जो रेट है ये क्या इसी तरह बरकरार रहेगा, कमी होगी ज्यादती होगी, क्या रेट्स की सूरत हाल क्या रहने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में?
जी अर्मिला, ये हम सवाल जो है सीकर रहमान साहब से पूछते हैं, क्योंकि सदर एंड ट्विंटर मार्केट के इनके पास जो रेट की जो जो स्पेसिफिक इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनके पास जरूर होगी। अतीक साहब, ये बताइएगा कि रेट आने वाले दिनों में कम होने वाला है या ज्यादा होगा रेट, थोड़ा सा हमें बता दें ताकि फ्लक्चुएशन रेट की क्या हो। उम्मीद ज्यादा ये है कि कम हो जाएगा, कम होगा रेट, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में, 5-5 रुपए कम होगा, 2-2 रुपए कम होगा या एक बड़ी अमाउंट भी कम हो सकती है? बड़ी अमाउंट भी कम होगी, यही 5-10 रुपए कम होंगे और हो जाएंगे, उम्मीद है। अर्मिला, आपको आज हमने नवीद सुना दी है और अपनी आवाम को भी बता दिया है, पहले भी हमने बताया था कि 10 रुपए कमी होने वाली है तो उस दिन भी कमी हो गई थी, तो अब देखते हैं हाजी तीकर रहमान साहब की बात कितनी सच साबित होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा यह जा रहा है कि जी रेट कम होगा, 2-4 रुपए आइंदा फ्लक्चुएशन तो रहती है। जनाब, थैंक यू सो मच सभी लसन के, आप हमें गाइड कर रहे थे चिकन वेज के हवाले से और आपने बता दिया कि मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है। जनाब, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास और भी मेहमान है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।